पेश की है। काम होने के बाद इसका दुगना और मिलेगा। आप हमसे हमारी जान दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं, पर आई चीज बिना पूछे दांव पर कैसे लगाएं धनाजी? पर आई चीज मंजे हमारी जान पर किसी और का अधिकार है। हाँ बोलने से पहले उनसे आंखें लेनी पड़ेगी। कैसे मर्द हैं आप? धाना जी आपको इतिहास बनाने का मौका दे रहे हैं और आपको एक औरत की इजाजत चाहिए। यत्र नरस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं बसते हैं। जिस नारी को हमारे शास्त्रों में इतना सम्मान दिया गया है उस नारी को, उस पत्नी को हम हीन समझते हैं। नारी दासी नहीं होती, साझेदार होती है। अपने जीवन के व्यापार में से अपनी आधी पूंजी दांव पर लगाने जा रहे हैं तो साझेदार से तो पूछना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे बालाजी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और वादा करते हैं अगर उन्होंने मना किया तो हम उल्टे पैर लौट जाएंगे। मातृभूमि अपने बेटों से खून मांगती है और बेटियों से बलिदान। गरम है। अब इतिहास ने स्वयं आपको चुना है तो हम दोनों आपको इतिहास बनाने से नहीं रोकेंगे। काय साला, आप ठीक हैं सरकार? इन्होंने लात मारी, मतलब इनकी भी हाँ है। कब जाना है? अभी अत्ताज। अत्ताज? चला चला हो। वादा कीजिए हम दोनों से आप लौट कर आएंगे। दिया वचन। सरकार, अगर हमारा सर कट भी गया ना तो भी अपना सर अपने हाथों में लेकर आएंगे। सिपाही को युद्ध में दूसरों से घृणा नहीं, अपनों से प्रेम ले जाता है। हम जो करने जा रहे हैं उस पर हमारी होने वाली संतान का भविष्य टिका है, और उसके भविष्य के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम लौट कर जरूर आएंगे, वादा रहा। मराठियों के वर्तमान को समझे बिना उनके भविष्य का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। हम समझे नहीं। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए दो बातों की पुष्टि करनी होगी। पहली, औरंगजेब के खेमे में इतने साल कैद रहने के बाद भी शाहू जी जीवित हैं या नहीं, और अगर वो जीवित हैं तो क्या वो वास्तविक शाहू जी हैं या फिर कोई बहरूपिया? तो इतने वर्षों में ये जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। प्रयास तो किया पर सफल प्रयास देखो। हालांकि मुगलों के खेमे में हमारा एक गुप्तचर है, बिटोजी चौहान। वो कई महीनों से उनके अस्तबल में काम कर रहा है, पर शाहू जी के वहां होने का प्रमाण वो भी नहीं ला पाया। अब वो आपकी मुगल छावनी में घुसने में सहायता करेगा और वो खेमा भी दिखाएगा जहां शाहू जी के होने का संदेह है। पर फिर आप अकेले होंगे। बस इतनी सी योजना है। वो ये कैसी योजना है मुगल खेमे में घुसने की? इसीलिए हमने आपको याद किया। हमें याद है आपकी बुद्धि कितनी तीव्र चलती है, और हमें यह भी मालूम है आपकी बुद्धि आज भी उतनी तीव्र और तीक्ष्ण है जितनी पहले हुआ करती थी। बस जानना यह है कि आपका साहस बुढ़ा तो नहीं हुआ। बालाजी, आपको डर तो नहीं लग रहा इस अभियान में आप अकेले होंगे? हो, डर तो लग रहा है। धना जी, योद्धा को थोड़ा सा डर लगना चाहिए। डर के होने का मतलब ये नहीं है कि साहस नहीं है। साहस शत्रु के प्राण लेता है और डर अपने प्राण बचाता है। बाजी मर के नहीं, जीवित रह के जीती जाती है।